नमस्कार, उत्तराखंड की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने सांसद निशंक का जबरदस्त विरोध करते हुए मांग की है कि किसी स्थानीय व्यक्ति को इस बार बीजेपी हरिद्वार लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाए, नहीं तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सजनपुर गाँव के लोगों ने सांसद निशंक को बाहरी बताते हुए कहा है कि पिछले 5 सालों में उन्हें अपने सांसद निशंक के दर्शन तक नहीं किए हैं। क्षेत्र में जहाँ बेरोजगारी चरम पर है, वहीं खनन न होने से लोगों के घरों में चूल्हे तक जलना बंद हो गए हैं। ऐसे में जंगलों से सटे इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक भी लोगों को त्रस्त किए हुए है, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार सांसद निशंक बाहरी हैं और इसलिए वो इस क्षेत्र की जनता की ओर ध्यान नहीं देते हैं, लिहाजा बीजेपी किसी स्थानीय व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाए। सर, हम पूरे ग्रामीण सभी मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम एक ऐसा नेता नहीं चाहते जो 5 साल में 5 बार भी हमारे क्षेत्र में ना आए। एक बार हमारा वोट लेके हमारा शोषण करके चले गए और उनको पता ही नहीं है फिर जनता क्या चीज़ है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में रोज़गार, सभी के पास उचित रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है और रोज़गार के अभाव में हमारे पूरे क्षेत्र में खनन का काम होता है। और जबकि हमारी साथ सीधे सीधे ये जो लोग ऊपर से आते हैं हमारे से वोट लेने के लिए, हमारे सांसद पोखरियाल जी आए और वोट लेके चले गए, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण की जनता की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि उत्तराखंड सरकार सीधा सीधा हरिद्वार ग्रामीण के साथ में एक शोतेला व्यवहार कर रही है। अभी डोईवाला क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ हैं सभी में खनन पूरी तरह चालू है और कोटद्वार में भी अभी मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बस हरिद्वार को इग्नोर करे जा रही है हमारी सरकार। क्यों भाई, हरिद्वार की जनता ने ऐसा क्या बिगाड़ लिया? क्या यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? अच्छा, एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि देखो, जिस क्षेत्र में जो काम होता है उसी को रोजगार के रूप में बढ़ाते हैं सभी। हमारे यहाँ में खनन का काम है जिससे 90% जनता हमारी खनन से जुड़ी है और इसी के साथ साथ में सरकार राजनीति कर रही है। सर, हमारा पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, हम लोग छोटे छोटे किसान हैं, किसी पे 2 बीघा 5 बीघा जमीन है और पहले हम लोग खनन में काम करते थे। कई वर्षों से यहाँ काम चल रहा है। पहले तो हमें ये कह दिया कि साहब अब ये कॉमर्शियल इनको कराओ तब आपको खनन करने देंगे। निगम वालों ने हमारा रजिस्ट्रेशन बंद किया तो हमने सब टैक्स पेड करा दिए, ट्रैक्टर और सहरा कर दिया। अब जनपद हरिद्वार में खनन नहीं खुला, बाकी उत्तराखंड में सब खुला, डोईवाला कोटद्वार सब है। तो इसमें निशंक जी की तरफ से कोई ऐसी प्रभावी पैरवाई नहीं कही गई। एनजीटी को लेकर है, एनजीटी अगर गंगा जी में काम खनन नहीं होगा तो हमारे यहाँ सहायक नदियाँ हैं, करीब 5-6 गेट हैं वन विकास निगम के ही सहायक नदियों में, उनको भी नहीं उन्होंने खोला गया। और इस चीज़ को लेकर मेरे ख्याल से हमारा कोई स्थानीय नेता कोई हमारी मजबूती से अपनी पैरवाई रख रहा है, ना सांसद में और ना ही विधानसभा में। अब कुमार पंडित चैंपियन जी का स्टेटमेंट आया था, वो हमारी बात को मजबूती से रखेंगे तो ज़रूरी है, हमें उस पर भी विचार करना चाहिए और हम इस पर विचार जरूर करेंगे। चैंपियन साहब इसलिए ज़रूरी हैं, जिस तरीके से हमने निशंक जी का कार्यकाल देखा तो उसमें हमें कुछ ठीक लगा नहीं है। उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई विकास कार्य हमारे क्षेत्र में उनके द्वारा नहीं किया गया है। और चैंपियन जी अपने आप में जो है, पहले उनके पूर्वजों ने समाज की जो है राजघराने के तौर पे सेवा करी है, पूरे समाज को एक जोड़ के रखा अपने साथ में। उसके बाद जब रियासतें ख़त्म हुई उसके बाद ये दौर आया कि इलेक्शन शुरू हुए, राजनीतिक पार्टियां बननी शुरू हुई तो उनके दादाजी ने वहां से जो है वो विधायक रहे। उसके बाद लगभग चतुर्थ श्रेणी के विधायक फिलहाल हमारे चैंपियन साहब हैं और उनकी घरवाली भी फिलहाल में जो है धर्मपत्नी जी हैं, रानी देवयानी जी, वो 3 बार जिला पंचायत थी। तो पब्लिक ने उन्हें इसीलिए 3 बार 4 बार या पीढ़ियों से जो उनके राजघराने में अब राजनीति का चला आ रहा है वो इसलिए चला आ रहा है कि पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ अच्छा काम करा होगा, पब्लिक की सुनी होगी, पब्लिक के किसी काम आए होंगे। और पब्लिक की जब आवाज़ ठीक ठाक उन तक पहुंची, उन्होंने ठीक ठाक उस पर जो कार्रवाई करी है, इसलिए जो है वहाँ का विकास हुआ है और सब लोगों ने उन्हें बार बार जिताया। अब उन्होंने हमारा क्षेत्र चुना है तो उसके लिए हम लोगों में बड़ा उल्लास है और सब लोग हम बड़े खुश हैं कि वो हमारे यहाँ से सांसद के टिकट की मांग कर रहे हैं। और हम सरकार को ये कहते हैं कि सरकार को उन्हें सांसद का टिकट देना चाहिए। जब वो उनके राजघराने से अब तक सारे जनजाति की सेवा करते आ रहे हैं तो एक बार हमारे क्षेत्र के लिए भी उन्हें सेवा का मौका देना चाहिए। हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेसी नेता संजय पालीवाल गुट स्थानीय प्रत्याशी को मैदान में उतारने की जोरदार पैरवी करने में लगा है तो वहीं पुराने कांग्रेसी हरीश रावत के समर्थन में मैदान में उतर गए हैं। पूर्व सांसद हरपाल साथी ने कहा कि अगर हरिद्वार में हरीश रावत को कांग्रेस प्रत्याशी न बनाया तो कांग्रेस को बुरे अंजाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ही कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी को करारी हार दे सकता है और जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिल सकता है। हरपाल साथी ने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता जो अपने स्वार्थों के लिए स्थानीय और बाहरी की बात कह रहे हैं वो कभी भी किसी पार्टी के नहीं
नहीं हो सकते। पूर्व सांसद ने बड़ी बेवाकी के साथ कहा है कि हरिद्वार लोकसभा चुनाव जीतने में हरीश रावत ही समर्थ है, कोई दूसरा नहीं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले हरिद्वार में कांग्रेस दो गुटों में बंटी हुई है। अब कांग्रेस हाईकमान के सामने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी तय करना बड़ा चुनौती हो गया है। कांग्रेस इसलिए जीत सकती है क्योंकि हमारे जो हरीश रावत जी हैं वो बहुत सुटेबल कैंडिडेट हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं अगर उनके अलावा किसी और को टिकट मिला तो कांग्रेस हार जाएगी। लोग स्थानीय के कह रहे, मेरा भी अखबार में निकाल दिया था कि साथी जी भी यहां से स्थानीय में टिकट मांग रहे, पर मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। मैं हरीश रावत जी को ही सपोर्ट करूंगा, वैसे मैं कांग्रेसी हूं, जिसे भी टिकट देगी, परंतु मैंने भी पूरा जायजा लिया है। मैं यहाँ पर 3 बार MP रहा हूँ, हरीश रावत के अलावा और कोई कैंडिडेट यहाँ जीतना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। हरीश रावत जो तो है मैदान में से फिलहाल भी 80% वोट जो है हरीश रावत ले सकता है। रही पहाड़ी की बात, पहाड़ी तो किसी को दे या ना दे, पर यहाँ हरीश रावत जी ने लोगों के दिलों में वो पैदा कर दी चीज कि वो हरीश रावत के अलावा किसी को और मानते ही नहीं। निशंक क्या है बेचारे, निशंक को धूल क्या चटाना, धूल भी चटा देंगे, पानी भी पिला देंगे, और मैं कहता हूँ उसे 60-70 हजार से नीचे ही भगा देंगे। नहीं, वो कांग्रेसी क्या, कुछ लोग जो है अपने उसमें ये चाहते हैं कि भाई हमारा भी भला हो जाए, स्वार्थी लोग होते हैं। नहीं तो मेरा तो कहना ये है कांग्रेस जिसको टिकट देगी और जिसमें भी हरीश रावत को नंबर वन पर अगर रखेगी तो पार्टी सफल होगी, सफल होगी, सफल होगी। वही रुड़की में गन्ना किसानों के भुगतान और इंडेंट को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि किसान आज के युग में भारी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन कोई भी सरकार उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही। चीनी मिल मालिक किसानों का शोषण करने में लगे हैं। किसानों का करोड़ों का भुगतान अभी चीनी मिलों पर बकाया है। किसानों को समय से पर्ची भी उपलब्ध नहीं हो रही, जिसके चलते किसान अपना गन्ना भी समय से चीनी मिल में नहीं डाल पा रहा है। किसानों का आरोप है कि गन्ना किसान भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी सरकार किसानों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर मिल मालिक और प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो किसान आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। गन्ने की समस्या इतनी बड़ी होगी, किसान बहुत परेशान है और समय से अपनी बुआई नहीं कर सकता अगली फसल की, और ना ही शादी करने हमारे पैसे है, हमारे बच्चों के स्कूल में से नाम काट दिए गए, समय पर सही गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, 2 साल तक का गन्ना का पेमेंट रोक रखा है इन्होंने, वो अभी तक किसानों को नहीं दिया गया। हमने निर्णय लिया, हम वहाँ धरना दिया था लिबरेटी मिल पे, वहाँ गन्ना सचिव आया था और GM था गन्ना का, उसने हमें आश्वासन दिया था कि हम 10 तारीख में हम घेरना शुरू कर देंगे सोसाइटी में पेमेंट। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई ओवरलोड की, ओवरलोड इन्होंने छाट लिया, किसानों की पेड्डी अभी तक खड़ी खेतों में, अगर इस मौसम में किसानों की पेड्डी खड़ी तो हम कद कपड़ा गन्ना पोवेंगे, सबसे बड़ी समस्या यो है। और इस बिल द्वारा माफियागिरी हुई गन्ने की, पिछले कई सालों से जब से आज तक माफियागिरी चली आ रही, पहले तो गुलाम माफियागिरी होती भारतीय गन्ने की, आज सेंटरों के द्वारा हो रही, और क्षेत्र का किसान अपने गन्ना गेरने से बेबस है। अगर सही सिस्टम ना आया तो आज DCO को वार्ता करने जा रहे और नहीं तो इसके दफ्तर में ताला ठोक देंगे। और मैं मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष हूँ, पूरी ताकत पूरी संगठन के साथ हम हरिद्वार में कूच कर देंगे, जरा सी भी झिझक हमारे अंदर नहीं है अगर इन्होंने समाधान न कराया किसानों का। क्योंकि यहाँ जिला गन्ना अधिकारी का यहाँ एक तो भुगतान को लेकर जा रहे हैं और दूसरा ओवरलोड छट गया, उसकी वजह से बहुत ही दिक्कत पड़ रही है किसानों को, इतनी दिक्कत पड़ रही है। जो हमारे यहाँ का सांसद होता है, हरिद्वार का सांसद होता, लोकसभा प्रत्याशी होता हमारा लोकल का, न कि हरीश रावत और निशंक जैसे हमारे सांसद होते, तो आज हमें ये काम नहीं करना पड़ता, ये आंदोलन नहीं करने पड़ता है। तो DCO को वहाँ जाकर वार्ता करेंगे, घेराव भी हो सको, जैसा वो होगा वैसा ही काम करेंगे। किसानों के सामने सबसे बड़ी बात तो पर्चियों की दिक्कत आ रही, और गन्ना भुगतान का जो देख लो, जो होली का त्यौहार आएगा, किसान अपना त्यौहार नहीं मना सकते। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। इसी क्रम में जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देशन में नगर पंचायत कर्मियों ने दिनेशपुर के मोतीपुर से शमशान घाट चौक तक फ्लैक्सी बैनर आदि उतरवाए।
इस दौरान अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला अधिकारी के निर्देश पर दिनेशपुर नगर में जहां जहां पर भी फ्लैक्स बैनर है वहां से हटाया जा रहा है। नगर पंचायत में जो भी ये राजनीतिक दलों के या वो उसके पोस्टर बैनर या होल्डिंग लगे हुए हैं उनको हटाए जाने की 10 तारीख जब से आचार संहिता प्रभावी हुई है तब से हटाए जाने की कार्रवाई की है। अब तक यानी कि कहाँ तक किया गया है कार्य? ये 3 दिन में लगा, हमने जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के जो है कांग्रेस और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी जिनके भी वो होल्डिंग हमें दिखाई दिए हमने उनको सबको हटाया। चुनाव के मद्देनजर एसएसपी उधम सिंह नगर बरजिंदर जीत सिंह ने ट्रांजिट कैंप थाने का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी महोदय ने थाने में मौजूद शस्त्र की संख्या और उनके हालातों पर भी नजर दौड़ाई। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र चुनाव के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसके बीट की संख्या कम है जिसको बढ़ाया गया है और पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाते हुए एक उप निरीक्षक और एक कुछ सिपाही नियुक्त किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के चलते बाहर के लोगों ने अपना निवास बनाया है जिसको रोजाना निरीक्षण के माध्यम से आकलन का कार्य भी पुलिस कर रही है। पुलिस ने अपराध को रोकने के लिए क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है, रोजाना सर्वे के माध्यम से जांच पड़ताल की जा रही है और किरायेदारों का सत्यापन का भी काम चल रहा है। क्योंकि वार्षिक निरीक्षण ट्रांजिट कैंप का थाने का आज किया जा रहा है और यहाँ मुख्य रूप से जो थाना ही नया एस्टेब्लिश हुआ है और जहाँ तक हमारा आकलन है यहाँ क्राइम का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हीनियस क्राइम मैंने देखा है यहाँ पर। तो मैंने थाना अध्यक्ष को बताया था पहले के वृद्ध रूप पर एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के लिए कि कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं और जो सही से रह रहे ताकि उनको सुरक्षा का एहसास हो कि कोई ऐसा बंदा हमारे बीच में नहीं है जो कल को क्राइम करके यहाँ से जा सकता है और जिसे पकड़ने में हम सक्षम ना रहें। उसके बाद सेकेंड हमारा यह है क्योंकि क्राइम का स्तर ज़्यादा है और पुलिस फोर्स कम है तो हमने अभी रिसेंटली एक सब इंस्पेक्टर और पोस्ट किया है यहाँ पर और जो यहाँ पर थाने में अभी 6 बीट हैं इसको बढ़ा के 10 करने का हमने थाना अध्यक्ष बनाया है। हम जैसे ही चुनाव के बाद इसमें और लोगों को पोस्ट करेंगे ताकि और छोटे छोटे गलियों के स्तर तक जो है पुलिसिंग कर पाएँ और एरिया उतना ही दिया जाए जितना वो लोग अटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अतिक्रमण की भी स्थिति ठीक नहीं है, जो मेन रोड है इसमें नगर निगम के साथ मैं इनको निर्देशित कर रहा हूँ कि अभियान चलाएं ताकि सुव्यवस्थित एक हमारा थाना क्षेत्र रहे। मैं ऑलरेडी CLG की मीटिंग रखवाई जा चुकी है और आगे होली भी आ रही है, पुनः ये लोग कांटेक्ट करेंगे, सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। इसके साथ साथ जो इन्फोर्समेंट का है लगातार अवैध शराब, अवैध हथियार, इनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। कैश की रिकवरी काफ़ी की जा रही है अलग अलग थाना क्षेत्र से और आगामी होली का चुनाव और जो होली का और चुनाव का जो हमारा दोनों बड़े इवेंट आ रहे हैं उसमें सभी पूर्ण फोर्स इनको दिया गया है। छुट्टियों पर भी अभी रोक लगा दी गई है ताकि पूरी पुलिस फोर्स जो है थाने में उपलब्ध रहे और अच्छा इन्फोर्समेंट का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। देहरादून के दून अस्पताल में पिछले कई महीनों से CT स्कैन मशीन खराब पड़ी है जिससे यहां आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज क्षेत्र से आने वाले मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक में जाकर CT स्कैन करवाना पड़ रहा है। मशीन में खराबी के चलते इलाज करवाने आए मरीजों को मोटी रकम देकर निजी अस्पतालों में CT स्कैन करवाना पड़ रहा है। वहीं CMS KK टमटा ने बताया कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक नई मशीन का आना तय है। उन्होंने बताया कि मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए 5 करोड़ की नई मशीन मंगवाई गई है जिससे कॉर्डियोलॉजी से संबंधित बीमारियों का पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि शासन के जरिए भी दूसरी मशीन के लिए अनुमति मिल गई है, जल्दी अस्पताल में 2 नई मशीनें आने से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्कैन मशीन हमारी 2 स्लैश की है जो अक्टूबर पहले से खराब चल रही है, उसकी ट्यूब की बात की हमने जिस कंपनी की है उसमें ट्यूब में 41 लाख रुपये लग रहे हैं उस ट्यूब के लिए, जबकि हमने उस ट्यूब को बदलवाया था 6 महीने पहले, उसकी 6 महीने गारंटी वारंटी खत्म हो गई है। AMC हमने कर रखी है, हमने शासन को लिखा है कि 41 लाख रुपए रिलीज किया जाए। नंबर 1 नंबर 2 हमारा 64 स्लैश का CT स्कैन मशीन का टेंडर हो चुका है जिसमें टीम बॉम्बे, इस समय हमारी टीम जो है बॉम्बे में है, डेमोन्स्ट्रेशन करने बॉम्बे गई है
और जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है 64 साइज की, वो जल्दी ही हमारी सिटी स्कैन मशीन नहीं आने के चांसेस हैं। इसलिए हमने तब तक हमें परमिशन मिल जाती तो इसको भी रिपेयर करा देते हैं, और नई परमिशन मिलती है तो नई मशीन तो हमारे इंजीनियर मंथ आ जाएगी। आज डेमोस्ट्रेशन के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट, एक रेडियो टेक्नीशियन हमने बॉम्बे भेजे हैं। डेमोस्ट्रेशन आज चल रहा होगा बॉम्बे में, परसों हमें डेमोस्ट्रेशन रिपोर्ट मिलती है नई मशीन के लिए, लेकिन नई मशीन के लिए हमारे पास आया हुआ है। तब तक मरीजों को जरूर परेशानी हो रही है, वो परेशानी मेरी भी होती है क्योंकि मरीज तो मुझसे ही पूछते हैं, और इस समय जो है अब जो जल्दी हो जाए शासन से अनुमति मिल जाती है तो 41 लाख रुपये हम दे देंगे, वो रिपेयर कर देगा। नहीं मिलती नई मशीन तो हमारी 64 स्लाइस की आई है, 64 स्लाइस और 2 स्लाइस में बहुत अंतर होता है। सर कब तक इस समस्या का निदान हो जाएगा? देखिए विदिन ए मंथ तो नई मशीन आ जाएगी हमारी, उसमें जितने भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कार्डिक प्रॉब्लम में 64 स्लाइस की जितनी ज़्यादा स्लाइस की मशीन होगी, 164 स्लाइस की भी आती है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और इससे जितने कार्डिक संबंधित बीमारियाँ भी हैं, इस सिटी स्कैन से जो 64 स्लाइस की सिटी स्कैन मशीन आएगी उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही दिनेशपुर में देवभूमि व्यापार मंडल के जरिए नगर के समस्त व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजन दुर्गा मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें विद्युत विभाग के जरिए मुख्य बाजार से होते हुए 33 केवी की विद्युत लाइन बिछाई जा रही है, जिसका समस्त व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। साथ ही इस लाइन को शहर के बाहरी क्षेत्र से अन्यत्र ले जाने हेतु आम सहमति से निर्णय लिया गया है, और जनहित को देखते हुए भविष्य में यदि विद्युत विभाग इस लाइन को मुख्य बाजार से होते हुए लगाती है तो इसके विरोध में जन आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों की जो ये बैठक बुलाई गई है, इसका ये उद्देश्य था कि जो मुख्य बाजार से होते हुए विद्युत विभाग द्वारा 33,000 की जो लाइन बिछाई जा रही है, इसके विरोध करने के लिए आज सभी हम यहाँ एकत्रित हुए थे, क्योंकि इससे आने वाले समय में लोगों को जानमाल का खतरा हो सकता है। इसीलिए हमने ये विरोध कर रहे हैं कि इस लाइन को अन्यत्र कहीं से बिछाने की कोशिश बिछाई जाए। अगर आपकी मांगों के अगर पूरा नहीं हुआ तो आप लोग यानी कि क्या करेंगे? वैसे आज हमने इसके लिए एक मेजरनामा बनाया है और हम विद्युत विभाग के SDO को ये भेज रहे हैं, अगर वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जो बैठक व्यापारियों की गई है विद्युत विभाग के द्वारा, जो बाजार के अंदर से 33,000 के लिए लाइन निकाली जा रही है, इसके विरोध में की गई है, और सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है बाजार के अंदर से 33,000 केवी की लाइन नहीं निकाली जाएगी, अन्य अगर कोई रास्ता है तो 33,000 केवी की लाइन निकाले, अन्यथा हमें इस लाइन के सत्ता मिले। जिला पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंड ब्लॉक के टीला गांव में एक मकान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से खबर आपदा कंट्रोल रूम पौड़ी को दी गई, जिसमें बताया गया है कि टीला गांव में आकाशीय बिजली एक मकान पर गिरी जिससे कि मकान क्षतिग्रस्त हो गया, और इस हादसे में 4 मजदूर चपेट में आ गए जिनमें एक की हालत गंभीर है, लेकिन जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो सच्चाई कुछ और निकली कि टीला गांव में आकाशीय बिजली गिरी ही नहीं, लोगों का कहना था कि मकान के अंदर दूसरे कमरे में कारतूस रखे हुए थे जो कि निकट ही सड़क बनाने के कार्य के लिए वहां रखे गए थे, लेकिन अचानक रात को कारतूस में आग लग गई जिससे कि यह हादसा हुआ। साफ तौर पर इस बात से पता चलता है कि यह प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कारतूस को भीड़भाड़ वाले इलाके में या गांव के निकट और उस कमरे में रखना जिसमें कि परिवार रहता है खतरे से खाली नहीं, यदि प्रशासन सतर्क रहता तो यह हादसा टल सकता था। गांव वालों के अंदर प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण क्या घटना घटी जिसमें कि 11 लोग जख्मी हो गए, यदि कारतूस किसी दूरदराज के इलाके में रखे होते तो यह घटना नहीं घटती। तो हम सो रखा था रात को हमको 2 बजे ले आए सर, रात को 2 बजे लाए। अब ठीक है हालत? हालत ठीक नहीं है, तकलीफ है। वहीं दिनेशपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन से 4,80,000 रुपए बरामद कर सील करने के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी को भेज दिया है। नोटों के साथ पकड़े गए व्यक्ति ने बताया कि उक्त पैसा फोम का है जिसमें हम कलेक्शन करके ले जा रहे थे। थानाध्यक्ष दिनेश फर्त्याल ने बताया कि बीती शाम नगर के निकटवर्ती ग्राम चंडीपुर मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान गदरपुर की तरफ से आती बलेनो कार को रोका गया और चेकिंग में कार से 4,80,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। गाड़ी में मौजूद राहुल पांडे और भुवन पांडे ने बताया कि उक्त पैसा रुद्रपुर की चावला इस्पात का है जिसे वे बाजार से कलेक्ट करके ला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बरामद नोटों को सील कर जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। कल शाम को रूटीन चेकिंग चल रही थी वाहन की, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है और सभी वाहनों की चेकिंग करी जा रही, कोई कैश या कोई कंप्लेंट चुनाव में गलत इस्तेमाल में ना ले जाए। इस हमारे साथ जो है
जो फ्लाइंग स्क्वाड था वो भी सामने था, चेकिंग की जा रही थी जगदीशपुर मोड़ पर। तो जगदीशपुर मोड़ पर शाम के समय वाहन संख्या UK06AR3825 बलनो गाड़ी को रोका, तो उसमें जो है दो व्यक्ति, एक का नाम भोर पांडे था, गाड़ी में 482,700 रुपये लेके जा रहे थे। चूँकि जो है आचार संहिता लागू है, 50,000 से अधिक कैरी करना इस समय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वैध नहीं है, तो इनसे उसके कागज तलब किए, तो जैसे कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं था, जिस कारण इनके 482,700 रुपये को सीज किया गया है और सीज करके रिपोर्ट जो है जिला निर्वाचन अधिकारी गंधी नगर को प्रेषित की गई। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड की तमाम खबरों में इतना ही, नमस्कार।